हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज। आज अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट मल्टी वेगा स्टॉक अंडर 500। आज हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 500 रुपए के अंदर के इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर के टॉप शेयर्स बताऊंगा, जो मतलब पूरे एक रिसर्च जिसका आपने को मार्केट के पी रेशो, डिविडेंड पर ईयर क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, सेल्स क्वार्टरली क्या है, यानी ओवरऑल अपन उसके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पूरे पॉइंट ऑफ व्यू है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अपने टोटल पॉइंट ऑफ व्यू 12 पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, जिससे अपन इसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अपने लिए बेस्ट शेयर्स कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आपको मैं थोड़ा लिस्ट को पूरा ऑफ कर लेता हूँ, जैसे कि अपने सामने पूरा इसका डाटा दिख रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी अपन क्या देखेंगे, कि जिससे अपने को पूरा जो अपन शेयर से देखने वाले उसके बारे में अपने को अच्छे से जानकारी मिल सके। जैसे कि अपने 500 के अंदर का जो पहला शेयर्स का नाम दिख रहा है वो है टिप्स इंडस्ट्री। जैसे कि आप ये देख सकते हो टिप्स इंडस्ट्री, इसमें क्या देखना है, इसका पी देखेंगे, पी अपना 50 से नीचे एक ठीक ठाक है। अब इसका प्राइस क्या चल रहा है, 330 रुपए के लगभग। मार्केट कैप कितने का है इसका, इसका मार्केट कैप है 4,214.75 करोड़ रुपए इसका, और नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है इसका, 27.10 जो भी करोड़ इसमें होंगे। क्वार्टरली सेल्स भी देखेंगे इसकी तो अच्छी है, और सेल्स क्वार्टर बाकी इसका जब ओवरऑल देखेंगे 52 वीक हाई परफॉर्मेंस भी ठीक है इसका जो आ रहा है ये। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि अपने को इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं 500 के अंदर का जो शेयर। दूसरा अपन आगे देखेंगे तो दूसरे में क्या है, पैरावेग, ये देखेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि इसमें देखेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी क्वार्टरली सेल्स उतनी अच्छी नहीं, तो इसको अपन रिजेक्ट करेंगे। बाकी इसके बाद नेक्स्ट चलते, अब तो चलते हैं अपन फिनोलेक्स केमिकल में। तो फिनोलेक्स केमिकल रेट अपना तीसरे नंबर पे, इसमें देखेंगे इसमें भी सब सही है, बस इसका देखेंगे क्वार्टरली सेल्स में हल्की सी गिरावट है जो आगे जाके कवर हो सकती है, तो अपन इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं। और एक सेकेंड दोस्तों, इसका हो गया। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो क्या है, इसके बाद अपने पास है आईसी मैप रेफ्रिजरेशन, ये एक अच्छा शेयर दिख रहा है जिसमें अपन देखेंगे अभी इसे 491 पे चल रहा है, पी इसका 33 है, और इसको ओवरऑल देखेंगे तो सब पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस में है, तो अपन इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो इसके बाद अपने को है क्या दिख रहा है, इसके बाद दे रहा है लिखिता इंफ्रा 5वें नंबर पे। ये जैसे कि आप देख सकते हो इसको भी देखेंगे ऑल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा मूवमेंट, अच्छे प्लस पॉइंट के साथ, इसके सेल्स, इसका नेट प्रॉफिट, मार्केट कैप, एक सब कुछ अच्छा दिख रहा है इसकी, तो इसको भी अपन रिकमेंडेड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट चलते हैं अपन थोड़ा ऊपर करते हैं इसको लिस्ट को, और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद है डी लिंक इंडिया 6वें नंबर पे, ये भी आप इस शेयर्स के बारे में देखोगे तो ये भी एक अच्छा, बिल्कुल पूरा अच्छा, इसमें से देख सकते हैं इसकी नेट प्रॉफिट, इसके ईयरली सेल्स, क्वार्टरली सेल्स एक अच्छे है, ये भी अपन रिकमेंडेड करते हैं बाय करने के लिए आगे फ्यूचर टाइम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद है इंद्रापर मेडिकल 7वें नंबर का, ये भी एक अपना अच्छा पूरा प्लस पॉइंट के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ एक शेयर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे तो मान इंफ्रा 8वें नंबर पे, इसको भी देखोगे आप पूरे फ्रंट व्यू से ये एक अच्छा शेयर्स है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद है अपना क्या है, मेगालैनिक क्लाउड 9वें नंबर का, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे तो 10वें नंबर पर BLS इंट्रानेट, ये भी एक अच्छा है इंटरनेशनल, BLS इंटरनेशनल, ये भी एक अच्छा है। इसके बाद देखेंगे GMDC, तो इसमें अपने को देख रहे हैं सेल्स में क्वार्टरली प्रॉफिट में ये उतना अच्छा नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं अपन, इसको नहीं लेंगे अपन।
क्या था अपना, ये इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिस्ट को हल्का सा ऊपर करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे तो अपन पहुंचते कहाँ पे, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे भी एक प्रॉब्लम है, इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा नहीं है, तो इसको छोड़ देते। इसके बाद आते हैं अपन भारत इलेक्ट्रॉन पे, 13वें नंबर पे। ये मार्केट अच्छी मार्केट कैप के साथ एक अच्छा शेयर्स है, तो इसको चूज करेंगे। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते आगे, तो क्या है अपना, कोठारी पेट्रोकेमिकल्स, 14 नंबर पे। ये भी एक अच्छा है, इसको भी अपन रिकमेंडेड करते हैं कि आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे अपन, तो इसके बाद है बेस्ट में अपना त्रिवेणी टर्बाइन्स, 16 नंबर पे। आप इनको एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं हो रहा तो आप एक डेमो पोर्टफोलियो बना सकते हैं मनी कंट्रोल पे जाके, स्पेस पे, जो भी आपके इसमें आपको पता होगा, जिस पे डेमो अकाउंट से अपन एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप एक बार मेरे रिसर्च पे एक बार अपना ट्रायल लीजिए, आप जानोगे, क्योंकि मैंने खुद ने इसको ट्राई किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपको कल नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में नहीं दिखेगा, मगर 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपको समझ में आएगा कि ये मेरे द्वारा बताई गई लिस्ट में आप कितना, आपके लिए एक सक्सेसफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 2EE नेटवर्क्स, 17 नंबर का। इसके भी अच्छे से अपने को पूरा ओवरऑल पैरामीटर्स में देखेंगे तो एक अच्छा पूरा रिजल्ट दिख रहा है, इसको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, इसके जो भी मैं आपको शेयर्स बता रहा हूँ तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और ऊपर चलते हैं और आपको दिखाऊं तो मैं, इसके बाद होगा अपना 17 नंबर पे, ये तो हो ही गया E2E नेटवर्क्स। इसके बाद अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सैक्सॉफ्ट, 18वां नंबर का। तो ये भी एक अच्छा है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि ये सैक्सॉफ्ट, इसकी भी मार्केट कैप वैल्यू अच्छी है और सेल्स भी अच्छा है, इसको चूज करते हैं। इसके बाद क्या देख सकते हैं अपन आगे चलेंगे, तो इन दोनों को नहीं लेते क्योंकि इसकी क्वार्टरली सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये इसको अपन हाथ नहीं लगाएंगे, इनको अपन नहीं सिलेक्ट करते। इसके बाद आगे चलते हैं, KMC स्पेशलिटी, 21 नंबर का, जैसा आप देख सकते हो ये 21 नंबर का, इसको अपन सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया KMC स्पेशलिटी। आगे चलते हैं तो इसके बाद अपने को क्या सिलेक्ट करने को मिल रहा है, इसके बाद इन तीनों को छोड़ते हैं, 21 के बाद से इन तीनों को छोड़ते सकते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें माइनस में चल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, चमन लाल सेठिया, इसमें ये भी सेल्स, क्वार्टरली सेल्स अच्छी नहीं है। और इसके बाद भी देखेंगे कि क्या है, जैक्सॉन पाल फार्मा, इसमें भी मतलब कुछ सेल्स में भी माइनस में ही है, तो चलो इसको नहीं लेते रिक्स, इसको क्यों लेना, तो इसको छोड़ते हैं और थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो अपन आगे लास्ट में अपना एक दिख रहा है रोटो पंप्स, 25 नंबर का। तो आप 25 नंबर के देख सकते हैं रोटो पंप्स, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज आपके लिए मैं टॉप 25 में से कुछ सिलेक्टेड बताया हूँ, जिसको आप रिकमेंडेड करके एक बार अपने पोर्टफोलियो में इंसर्ट कीजिए, एक बार इसमें इसके चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि या इसके आगे जाने के चांसेस कितने हैं। नहीं भी हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके देखिए, आपको अपना रिजल्ट खुद आपको दिखने लगेगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यानी 1000 के अंदर के बेस्ट शेयर, जो इन्हीं ऐसे पूरे रिजल्ट के साथ रहेगा तो आपको अच्छी हेल्प हो जाएगी उसके लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।